आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं कोर्स के बारे में, जो हमारे एडवांस एक्सेल की जो कोर्स है उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं और भी देता हूं कि हमारा कोर्स क्या है, देन हम कुछ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास जो कोर्स है इसके लिए वेबसाइट ipt.india.com पे जाएंगे तो भी कोर्स की डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। तो पहला कोर्स हमारा है एडवांस एक्शन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। अगर बात करें इसमें कंप्लीट इस कोर्स की हम बात करते हैं तो इस कोर्स में मेरा कंप्लीट मेनू बार कवर है, जो आपका होम फाइल से लेकर डेवलपर बार में जितने भी मेनू बार है सारे के सारे इसमें कवर है। एक एक टॉपिक को मैंने बेसिक टू एडवांस की बात की है। दूसरी, इसमें मोर देन 200 फॉर्मूलेज है, एरे फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला नेस्टिंग है। फॉर्मूला नेस्टिंग मतलब कि कई सारे फॉर्मूले को एक सेल में हम कैसे लगाते हैं, ये चीज हमने इसमें मेंशन कर रखा है। एरे फॉर्मूला है, पावर क्यूरी है इसके अंदर में, पावर पिवट है इसके अंदर में, और इसके अंदर में रिपोर्ट ऑटोमेशन विद फॉर्मूला है, डैशबोर्ड रिपोर्ट ऑटोमेटिंग है, और इंटरेक्टिव फॉर्मेट क्रिएटिंग है। ये सारी चीजें हम इसमें कवर करते हैं, मतलब एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जो जो एक्सेल में चीजें आनी चाहिए परफेक्टली वो सारी चीज मैंने कवर करने की कोशिश की है हमने लेवल वन में, मतलब की एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल वाले कोर्स। दूसरा कोर्स है हमारा वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। जैसे कि अभी आपने मैंने बताया आपको कि पहले कोर्स में मैंने डिस्कस किया है कंप्लीट इनबिल्ड फंक्शंस, मतलब कि जो एक्सेल के जितने भी मेनू बार फंक्शंस इनबिल्ड है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। बट क्या है कि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की बात होती है जब कुछ नया बनाना हो। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूं तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एक डेटा है मेरे पास, मेरे पास एक डेटा है यहाँ पे, ये डेटा है। मुझे इस डेटा की मदद से एक लेटर जनरेट करना होता है, ये मैंने किसी क्लाइंट के लिए बनाई है, एक लेटर जनरेट करना होता था, राइट। ये जो लेटर आपको दिख रहा है इस तरह का लेटर जनरेट होता है जिसमें हमारा नेम वगैरह, कंपनी वगैरह और बाकी और भी इंफॉर्मेशन, कुछ ईमेल आईडी वगैरह अलग डिफरेंट होता है, डेट डिफरेंट होता है, उसके बाद यहाँ पे रिगार्ड वगैरह और मैटर वगैरह डिफरेंट होता है। तो मुझे क्या होता है कि इसके इसको हमेशा बनाना पड़ जाता है। तो हमने क्या किया, इसके लिए एक प्रोग्रामिंग राइट कर दी। हम क्या करते हैं कि जो डेटा हमें लेटर में चाहिए होता है उस डेटा को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैं अपना डेवलपर में जाता हूँ, एक मैक्रो को रन करता हूँ। इसमें पूछता है अपना क्लाइंट नेम, तो मैं मान लीजिए मैं डाल दिया अपना ही नाम डाल देता हूँ सुजीत कुमार। देख रहे हैं एमएस वर्ड को खोल दिया हुआ है, नीचे देख रहा है पूरा मैटर डाल रहा है और फाइल को सेव करके क्लोज कर दिया है। आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने फाइल बनके तैयार है। ठीक है, मैं इस फाइल को खोल के दिखाता हूँ। देखा सर आपने, मैं एक बार इस फाइल को डिलीट करता हूँ और दोबारा बताता हूँ आपको। डेटा पे आया, अपने डेटा को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको मैक्रो या बटन भी बना सकता है, मैं काम कर ही रहा हूं। मैं वर्ड पे रन किया, मैक्रो का नाम डाला, मैं उसे पूजा नाम चेंज कर दे रहा हूं एंड ओके किया। देखा आपने, अपने आप सारा मैटर लाइट कर रहा है, पेज कॉपी पेज कर रहा है, चेंज कर रहा है, अपने आप सारा हो रहा है और सेव करके इसकी क्लोज भी कर। यहाँ आप
एक बार रिफ्रेश करता हूँ, देखिए फाइल आ गई। ये कैसे हुई? ये वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग से हो गया, समझ गया। अब एक क्लाइंट का ऐसे हजारों क्लाइंट का रिपोर्ट जो है हजारों डेटा को बना सकता है, डेटा इसके अंदर ऐसी चीजें डली गई है। ये किसके थ्रू हुई? वीवीए प्रोग्रामिंग के थ्रू, क्योंकि ये फीचर हम एक्सेल में नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग ऑटोमेशन होता है कि जो काम हम मैनुअल करते हैं वही काम को ऑटोमेट कर देता है, राइट सर, फुल्ली ऑटोमेट कर देता है। ये हमारा वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। उसके बाद एमएस एक्सेस डेटाबेस है। एमएस एक्सेस डेटाबेस में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डेटाबेस जो कि एमआईएस के चाहिए। तो इसको आप इंडिविजुअली कोर्स कर सकते हैं या फिर आप हमारा कंप्लीट एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब इसकी डिटेल्स आप इसकी इमेज पे क्लिक करेंगे तो इसकी इमेज पे इसकी डिटेल आ जाएगी, या आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसकी पूरी डिटेल के बारे में जान सकते हैं। अब इसमें क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले जो जैसे मैं आप अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे हर क्लास को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, हर एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा जो कि लाइव होगा। आप भी मेरे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट रहेंगे, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके प्रवीण जी या भूपेंद्र जी? हाँ सर। उसके बाद इसकी प्रिपरेशन तकरीबन 100 आवर होगी। इसमें आपको क्लास की वीडियोस, नोट्स, पीडीएफ, पीडीएफ बुक्स, आर्टिकल्स एंड फ्री रीज्वाइन का ऑप्शन है। इन फ्यूचर में कभी इसमें आप रीज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है ये हमारा मिनिमम है। अगर आपको कुछ और चीज लगता है कि इसमें नहीं है, वो आप एक्सेल से रिलेट करता है, तो आप जो है इसमें एड ऑन कर सकते हैं। साथ में टेलीफोनिक सपोर्ट मिलेगा, कभी भी की प्रॉब्लम हुई मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं एनी टाइम। टेलीफोनिक सपोर्ट हमेशा मिलेगा। कोर्स रिलेटेड कोई डाउट है आपको? सर जो आप MIS सिखा रहे हो, मतलब जो आपने दिखाया है पूरा फुल कोर्स, तो उसके अंदर आप मतलब KPI वगैरह भी बताते हो क्या? आपको उसमें तकरीबन 15-20 रिपोर्ट बना बताएंगे और मेरे डैशबोर्ड बताएंगे। ओके। करता है किस तरह के डैशबोर्ड सीखना चाहे। KPI जो ये की ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है ना, ये परफॉर्मेंस को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, जैसे कि आज की सेल है, मान आज माले में 50 सेल हुआ तो मुझे कंपेयर कि आज और कल में क्या क्या है, आज और पिछले, जैसे संडे है तो पिछले आज की सेल और पिछले संडे की सेल में क्या डिफरेंस है। आज तारीख है मान लीजिए 2 अगस्त, तो 2 अगस्त और 2 जुलाई के सेल में क्या डिफरेंस है, और 2 जुलाई और पिछले क्वार्टर, ये क्वार्टर कौन सा मंथ है, मान लीजिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, आई थिंक सेकेंड मंथ है ना, थर्ड क्वार्टर का क्या सर? तो आपके जो क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर का सेकेंड मंथ में क्या सेल था, सेकेंड क्वार्टर सेकेंड मंथ के दूसरे दिन, दूसरे महीने में क्या, दूसरे दिन में क्या सेल था, और पिछले साल 2019 2 अगस्त को क्या सेल था, उसको हम कंपेयर करेंगे, फिर उसके हिसाब से ग्रोथ निकलता है। इस तरह की जो रिपोर्ट्स हम बनाते हैं उसी को तो KPI कहा जाता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखना। तो हम आपको जो है करीब 12-15 रिपोर्ट ऑटोमेट करना सिखाएंगे, जैसे कुछ सैंपल मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैन्युफैक्चरिंग डैशबोर्ड है, तो आपको लगता है कि नहीं मुझे अपने हिसाब से, मुझे अपने ऑफिशियल हिसाब से कुछ डैशबोर्ड देखने हैं, तो आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे एक और मैं डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाता हूँ, फाइनेंशियल डैशबोर्ड, देखो दिख रहा है सर? हाँ सर। मुझे रिपोर्ट चाहिए कस्टमर वाइज, मैं कस्टमर पे क्लिक किया, पूरा रिपोर्ट कस्टमर के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। और भी कौन सा कस्टमर, तो कस्टमर 400। अगर मैंने कस्टमर चेंज किया 401 किया, 401 के भी आपको मुझे कस्टमर और रीजन दोनों देखना है, क्लिक किया तो कस्टमर और रीजन दोनों के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। मुझे क्वार्टर 2 का देखना है या पूरा ओवरऑल क्वार्टर देखना है, ओवरऑल ईयर देखना है, कस्टमर वाइज देखना है, या पूरा ओवरऑल रिपोर्ट देखना है, या मुझे एक ईयर से 2003 से लेके 2008 तक का मुझे एक्चुअल रेवेन्यू देखना है,
चेंज हो गया। तो ये एक्सेल और वीवीएस दोनों के बीच इनको मिला के बनाया गया, ठीक है। कुछ रिपोर्ट सिर्फ जो है एक्सेल पे बनी हुई है, जिससे पहले की रिपोर्ट दिखाया था वो सिर्फ एक्सेल पे बनी हुई है। जैसे एक पिवट की डैशबोर्ड आपके सामने खोल रहा हूँ, ये सिर्फ पिवट पे बनी हुई डैशबोर्ड, मुझे एक्चुअल रिपोर्ट एक्चुअल के अकॉर्डिंग देखना है, मुझे एस्टिमेट के अकॉर्डिंग देखना है, और यहाँ पे हमने चेंज किया हुआ है, दिख रहा है सर? जी सर, ये पिवट डैशबोर्ड। इसमें और भी चीजें हैं यहाँ पे, और भी चीजें हैं यहाँ पे, डेटा है यहाँ, डिफरेंट डिफरेंस असेस्ड क्यू और बाकी चीजें बन रही है, जो सैंपल है। तो यहाँ पे इससे भी ह्यूमन रिसोर्स है जो हमारा ये है, बिल्कुल ये डैशबोर्ड बिल्कुल फॉर्म नॉर्मल फॉर्मूले और स्लाइसर से बना हुआ है वहाँ डैशबोर्ड जो दिख रहा है आपको, मैं छोटा करता हूँ, दिख रहा है डैशबोर्ड? हाँ सर। इसमें कोई वीवीए नहीं और सिर्फ एक फॉर्मूला यूज किया गया। तो इस तरह की चीजें बनाएंगे, तो अगर आपको लगता है कि आपके पास भी कुछ है तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। और किसी को कोर्स में डाउट है? नहीं सर। प्रवीण जी आपको कोई डाउट है? उपेंद्र नहीं सर, मेरे को नहीं है। मेरे को नहीं है। एक बात पूछना चाहता हूँ, इसमें जो है ना बेसिक टू एडवांस कोर्स फुली 7500, इसमें क्या क्या मिलेगा? पेन ड्राइव में मिलेगा और ये पीडीएफ फाइल में मिलेगा? नहीं नहीं, ये लाइव क्लास है सर, ये पेन ड्राइव क्लास नहीं है सर। नहीं, इसमें कोर्स में था ना, मेंशन किया था ना 7500। हाँ, तो ये लाइव क्लास इन 7500 इसकी बात कर रहे हैं, वो आपकी ये पहली कोर्स है। हाँ, ये आपकी पहली कोर्स है, ये लाइव आज भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं सर, कोर्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसी तरह से हर एक दिन एक एक घंटा आपको ट्रेनिंग मिलेगा, 45 मिनट से एक क्लास होगी एवरी डे। इस कोर्स की बात पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख लीजिए कि क्या कवर है। अगर मैं मोटा मोटा बताऊं इसमें, तो इसमें कंप्लीट एक्सेल के हर एक मेनू बार बेसिक टू एडवांस हो रहा है। ओके ओके ओके। ये जो अभी आज से शुरू हो गया, जो आज से शुरू हो गया, अभी ये बेसिक से एडवांस तक हो जाएगा? कल से शुरू हुआ, आज डेमो है, कल से। ओके ठीक है। ओके, आज मैं कुछ कुछ मोटा मोटी चीजें बताते हैं, देख लीजिए बाकी फोन पे बात करते हैं। ओके, अब मैं आगे बताने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों के पास भी कोई डाउट या क्वेश्चन है? नहीं सर, मेरे को कोई डाउट नहीं। एक्सेल से या कोई ऐसे ऑफिशियल वर्क से मैं वही पढ़ा देता हूँ। चलिए मैं छोटी छोटी मोटी चीज से स्टार्ट करता हूँ, फिर आगे की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस क्लास में बात करते हैं एक छोटी सी ट्रिक से। जैसे किसी भी एक्सेल फाइल, मेरी किसी भी एक्सेल फाइल में आप जाते हैं, अब जैन की जैन आपने लिखा यहाँ पे, जैन लिखा और जैन को नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं कि आपका जैन फाइल मार्च हो जाता है। ऐसे आप संडे को लेते हैं और नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, उस संडे मंडे को जाता है। लेकिन अगर मेरी पीसी में अगर किसी पर्सन का नाम, मान लीजिए मैंने पूजा, मेरे टीम में पूजा का नाम लिखा, नीचे ड्रैग करूंगा तो बाकी टीम्स के नाम आ जाएंगे, बट आपके सिस्टम में सिर्फ पूजा पूजा आएगा। तो मेरे सिस्टम में ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है कि मैंने इसके लिए कस्टम लिस्ट ऐड कर रखे हैं। कैसे होता है कस्टम लिस्ट ऐड? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल मेनू बार के अंदर एक्सेल ऑप्शन। एक्सेल ऑप्शन में हम आते हैं, तो यहां पे आपका एडवांस दिखेगा। अगर आपके पास 2007 है तो आपको यही जनरल में ही दिख जाएगा, नीचे में एडिट कस्टम करके। आपके पास 10, 13, 16, 19 है तो एडवांस में आइए, और एडवांस में इसको नीचे हम ड्रॉप डाउन करते हैं, यहां दिखेगा एडिट कस्टम लिस्ट। इस एडिट कस्टम लिस्ट में हम आते हैं, तो यहां पे आप अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे क्रिएट की हुई। लिस्ट बड़ी है आप क्रिएट नहीं कर सकते, तो यहां
इस पे एरो के निशान पे क्लिक कीजिए और उस एरिया को सिलेक्ट करके आप इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करते ही आपका लिस्ट इसमें ऐड होगा। जैसे मैंने ऐड कर रखा है नेम, मैंने ऐड कर रखा है सिटी, कोर्स, नॉर्थ जो होता है एरिया, और ये हमने सॉर्टिंग के लिए अपने, क्योंकि इसका यूज हम सॉर्टिंग में यूज करते हैं। जब हम सॉर्ट करते हैं तो आपका जैन फाइव के अकॉर्डिंग सॉर्ट होता है, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं तो मेरा फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट होता है। ये आगे हम आपको दिखाएंगे जब आई क्लासेस होगी तो शॉर्टिंग समझाएंगे। दूसरी चीज, आप इसमें जो भी लिस्ट ऐड करते हो किसी एक पर्टिकुलर फाइल के लिए नहीं होता है, ये आपकी पूरी एप्लीकेशन के लिए होता है। मतलब कि एक्सेल की कोई भी पुरानी और नई फाइल को लें तो उसमें ये फीचर्स आपके सामने ऐड होगा, तो ये फीचर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्या प्रवीण जी आपके लिए बेनिफिट है इससे? हाँ सर। देखिए, आपके पास कुछ ऐसे लिस्ट होंगे जो कि आप बार बार टाइप करते होंगे या कहीं से कॉपी करके आप पेस्ट करते होंगे, कहीं से कॉपी पेस्ट करते होंगे या टाइप करते होंगे, तो ऐसे लिस्ट को बना लीजिए। जैसे कि आपके टीम मेंबर लिस्ट, आपके क्लाइंट लिस्ट, आपके प्रोडक्ट लिस्ट, आपके कंपनी की सिटी लिस्ट, ऐसे लिस्ट को आप इसमें ऐड कर सकते हैं जिसको बार बार यूज करना पड़ेगा। आई होप कि एग्जाम्पल आपके लिए अच्छा लगेगा, आपके लिए यूजफुल होगा। दूसरे एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं, किसी ने मुझे भेजा है, मैं सोच रहा हूँ आपके साथ शेयर करूँ। बहुत ही अच्छी चीज है। एक बार मैं उस डेटा पे आता हूँ, अटेंडेंस की एक डेटा है। तो इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं अगले एग्जाम्पल पे, और अगला एग्जाम्पल हमारा है जो कि हमारे एक पुराने स्टूडेंट हैं विपिन पांडे, उन्होंने मुझसे पूछा था फोन पे, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले उनकी अटेंडेंस डेटा को समझिए। उनका ये अटेंडेंस डेटा है जिसमें उनके यहाँ पे उनके एम्प्लॉई कोड्स हैं और यहाँ पे उनके डेट्स हैं और यहाँ उनका अटेंडेंस है। ओके, तो ये तो ठीक है, बट वो चाहते हैं कि एक समरी सीट पे वो यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट डालें, यहाँ पे पर्सन के नेम डालें। नेम से अच्छा होगा कि वो एम्प्लॉई कोड डालते, क्योंकि नेम तो डुप्लीकेट है, जैसे राकेश यहाँ डुप्लीकेट है, सो मैं यहाँ उनकी एम्प्लॉई कोड डालता हूँ। एम्प्लॉई कोड सही रहेगा, यूनिक रहेगा, एम्प्लॉई कोड हमने डाल दिया। Okay. तो किस एम्प्लॉई कोड की इस बिटवीन में टोटल प्रेजेंट कितना है, टोटल अब्सेंट कितना है? ओके, तो एट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एट्रीब्यूट को छोड़िए, इसको हटा देते हैं फिलहाल, क्योंकि पता नहीं क्या है, लेकिन फिलहाल हम समझते हैं कि टोटल पी और टोटल क्या। उन्होंने काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया भी है बट लेकिन वर्क नहीं किया। वर्क ना करने के पीछे रीजन है कि डेटा Horizontal है, वर्टिकल नहीं। सर, इसके लिए वी लुकअप लगेगा ना? नहीं, वी लुकअप तो सिर्फ एक लुकअप करेगा ना, और बिटवीन के अंदर में उसको काउंट करना चाहते हैं। ओके, उनको सिर्फ राकेश का नहीं देखना है परजिन। सर, तो इसके लिए हम लोग इंडेक्स और मैच यूज कर सकते हैं ना? सर, इंडेक्स मैच भी आपको सिंगल सेल देगा ना, कैलकुलेट तो नहीं किया ना? अच्छा, कैलकुलेट करना है, करेक्ट। काउंट चाहिए ना, जैसे मान लीजिए ना राजेश का इन 7 से 9, 7 ये आपका 7 ले लिया, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे सेम फॉर्मेट कर देता हूँ, 7 है, सेवन हो गया। अब 7 से 9 के बीच में 3% यहाँ पे कितने हैं, 3 है, तो यहाँ रिजल्ट 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, समझ गए? तो कैसे करें, तो सबसे पहले हम इस चीज को जानते हैं कि हम काउंट कैसे करेंगे, मतलब कि बिटवीन में काउंट कैसे करेंगे। देखिए, काउंट का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों चलता है, तो मैं इसको अलग एक शीट पे समझाता हूँ।
पेस्ट वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मुझे चाहिए, एक साथ है, एक साथ 7 जनवरी है, एक साथ से लेके 7 जैन से लेके मान लीजिए कि मुझे 9 जनवरी तक का कितने है वो चाहिए। तो यहां पे हम काउंट इफ्स का इस्तेमाल, काउंट इफ्स हमने दिया रेंज और फिर हमने बोला इज ग्रेटर देन इक्वल टू और एन परसेंट लगा दिया 7 जनवरी और फिर वापस हम इसी रेंज को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि काउंट इफ्स में मल्टीपल दे सकते हैं और इसमें फिर हमने लेस देन इक्वल टू एन परसेंट दे दिया 9 जैन। समझ गए, तीन आ गया और ये 3 तो डेट किया ना, हमें तो इसके अंदर नीचे चाहिए, नीचे का चाहिए ना। ये प्रॉब्लम ये है कि अगर जिस सीक्वेंस में ए है उसी सीक्वेंस में आपका यहां रहा तो बात बन सकती है। कैसे बात बन सकती है, मैं सेम यहां करके दिखाता हूं। काउंट इफ्स, काउंट इफ्स में हमने अटेंडेंस में गया, पहली क्राइटेरिया हमने ले लिया डेट की, फिर हमने बोला इज ग्रेटर देन इक्वल टू और एन परसेंट लगा दिया और हमने यहां अपने स्टार्ट डेट को सिलेक्ट किया। फिर वापस आए हम और वापस हम अगली बार भी सेम क्राइटेरिया देते हैं और इसमें देते हैं कि लेस देन इक्वल टू और एन परसेंट लगाते हैं और एन परसेंट में हम सिलेक्ट करते हैं 9, तो यहां पे 0 आया, 0 आया। जुलाई है, वहां पे हमारा जनवरी है, इसलिए आ गया। इसमें क्वेश्चन आता है, एक चीज और यहां हमें देना है, यहां पे रेंज में हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और हमने बोला कि इसमें कितने पी है। अब नीचे ट्रैक करने से पहले ये जो 4 है इसको फ्रीज होगा, F4 करेंगे तो फ्रीज हो जाएगा, इसको भी फ्रीज कर देंगे। उसके बाद हमारा C1 भी फ्रीज होगा और C2 भी फ्रीज होगा, बट हम 5 को फ्रीज नहीं करेंगे। जब ये नीचे हम ड्रैग करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या आ गया 6x6, मतलब कि 5x5 इसको दिखा था, फिर 6x6 इसने इसको देखा। इसमें 2 ही था क्योंकि इसमें 1 अब्सेंट है ना यहाँ पे, करेक्ट, समझ गए। बट है कि इसमें इस नाम से कोई लेना देना इसका नहीं है, समझ गए, वो सीक्वेंस ही देख रहा है, तो जिस सीक्वेंस में हमारा अटेंडेंस है उस अगर हमने इसको रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर अगर सीक्वेंस इंटरचेंज होता, हाँ देखिए मेरी आदत है हम जो है ना 1x1 बढ़ाते हैं, एक साथ सब देंगे तो दिमाग में नहीं घुसेगा, इसलिए स्टेज चलिए। तो पहली स्टेज हमने क्या बताई आपको कि हम दो डेट, दो बिटवीन डेट को काउंट कैसे करें, तो हमने बताया हम काउंट इफ्स में ग्रेटर देन लेस देन इस तरह से कंबाइन करेंगे तो काउंट हो जाएगा, ये समझ में आ गया था आपको। जी सर। अब इसमें दूसरी स्टेज था हमारा कि हम अब्सेंट पर्सन कैसे काउंट करें, तो हमने इसमें बोला कि अगर सिक्वेंस है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको कैसे किया जाए, तो यहां पे हमारा काम करेगा मैच। हम मैच का फॉर्म में इस एम्प्लॉय आईडी को अटेंडेंस के कॉलम ए में सर्च करेंगे, ए बताएगा कि ए जो है किस रो में है, क्या बताएगा किस रो में है, बता दिया 5 रो में है। और फिर मैंने क्या किया कि इसके साथ हमने कंबाइन कर दिया किसी को, समझ गए, इस तरह का अटेंडेंस बना दिया। क्यों, क्योंकि यहां इसी तरह का अटेंडेंस बनता है, ठीक है। नहीं सर, फिर से एक बार ये टोटल ए वाला देखिए, यहाँ पे अटेंडेंस में हमें रेंज कैसा चाहिए, 5.5 से 5 इस तरह से चाहिए ना, हाँ। तो
हमने मैच का फॉर्मूला लगाया तो उसने बता दिया कि ए एम्प्लॉय कोड अटेंडेंस सीट में 5वें नंबर पे है। अच्छा हाँ, हमने इसी को क्या किया कि दोनों को आपस में एन परसेंट क्या करता है समझ में आता है आपको? क्या करता है? ऐड करता है जी। हाँ, सुजीत कुमार लिखा हुआ है तो दोनों करके यहाँ पे सुजीत कुमार दिखा देता है इस तरह से। हमने क्या किया, 5 और 5 की इस तरह से ज्वाइन कर दिया लेकिन बीच में सेपरेटर डाल दिया कॉलन का ताकि इस तरह से बन जाए, क्योंकि हमारे अटेंडेंस वाले डेटा में इसमें मैच वाले डेटा में जो ए चाहिए वो इसी तरह से चाहिए। ओके, इसमें अपना अटेंडेंस अभी हाँ, लेकिन फॉर्मेट कैसा होता है इस तरह से होता है, दिख रहा नाम सीट का नाम भी तो होता है। तो हमने इससे पहले इन्वर्टेड कॉमा में सीट का बाकी रेफरेंस डाल के एन कर दिया, एन परसेंट कर दिया, कंप्लीट एड्रेस बन गया। ओके हाँ, जो यहाँ चाहिए था पर इसको मान लीजिए ऊपर रखता हूं तो देखिए चेंज हो गया ना, 6x6 हो गया। करेक्ट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर इसमें कैसे कंबाइन करेंगे? उससे पहले तो एक कई सारे सेल्स में एक सेल में कैसे होगा? तो ये जो मैच का फॉर्मूला है, इस मैच के फॉर्मूला को मैंने कॉपी किया, ध्यान रखिएगा क्योंकि इस मैच का लिंक है D5 B5, तो मैं D5 की जगह पे D5 का फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूं। इसको कॉपी किया और यहां जहां D5 था इनवर्टेड कॉमा में D5 की जगह पे D5 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, और यहां भी D5 था तो इसके जगह भी D5 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर दिया। मैच मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। अब क्वेश्चन आता है क्या हम इसको कॉपी करें और जो हमारा ये था इसमें जो अटेंडेंस 5x5 था इसकी जगह पेस्ट कर दे? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस है और जो हमने अभी कॉपी किया है ये वाली पार्ट, ये क्या है, टेक्स्ट है, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, एन परसेंट लगा हुआ है, तो टेक्स्ट है, सो ए नहीं लेगा। लेकिन एक फॉर्मूला है इनडायरेक्ट का जो इस तरह की टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है रेफरेंस। तो इनडायरेक्ट के अंदर में सेम चीज को कॉपी पेस्ट कर दिया। आगे यहां पे अब मुझे नीचे ड्रैग करना है तो मैं डायरेक्ट नीचे ड्रैग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसमें मुझे एक बार देखना होगा क्योंकि मैच इसका कोई ये तो नहीं है A5, नहीं, इसे हम डायरेक्ट कर सकते। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और नीचे की तरफ ड्रैग, तो सबके काउंट आ गए, प्रेजेंट के काउंट आ गए। मुझे इसमें अब्सेंट का काउंट चाहिए तो इसी फॉर्मूला को मैंने कॉपी किया और यहां पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और जहां पे टी था उसके जगह पे हम ए कर दिया। ये आपको लग रहा है कि इतना लंबा फॉर्मूला है लेकिन हमने इसको टुकड़े में बनाया। दूसरी चीज है किसी फॉर्मूला, अब यहां पर एक चीज और देखिए क्या है कि हमारे साथ भूपेंद्र जी लोग हैं जो कि बेसिक थोड़ा सा कम जानते हैं। सिन्हा जी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ, समझ में आ रहा है सर। तो अब जैसे कि मान लीजिए मुझे फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है पता करना है, तो फॉर्मूला मेनू बार के अंदर में आपके सामने यहां मिलता है एवलेट फॉर्मूला, उसको क्लिक कीजिए। ये वन बाय वन बताएगा। देखिए समरी शीट से क्या लिया, डेट लिया, डेट को कंबाइन कर दिया, नंबर दिख रहा है और डेट होता है, ठीक है ना, डेट जो है जनरल फॉर्मेट होता है। फिर इसने क्या किया, इस समरी को लिया, दोनों को कंबाइन किया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ मैच का फॉर्मूला चला, फिर कंबाइन हुआ, फिर वापस मैच का फॉर्मूला चला, वापस में कंबाइन हुआ, ठीक है आपको सर। फिर इसको आपस में कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद इसको क्या मिला, अटेंडेंस 5x5 मिला जो कि आपका यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना सर। बट प्रॉब्लम है कि इनडायरेक्ट फॉर्मूला इसको रीड नहीं करेगा, फॉर्मूला इसको ABCD समझ रहा है, तो इनडायरेक्ट क्या कर रहा है, इसको तोड़ के एक रेफरेंस बना दिया, रेफरेंस बन गया, डॉलर साइन लग गया ना सर। इससे पहले तो डॉलर साइन नहीं था ना, डॉलर साइन लग गया। अब जो है काउंट इफ ने क्या बोला कि इसने देखा कि 4x4 में ग्रेटर देन इस डेट मतलब कि 7 तारीख, लेस देन ये मतलब कि 9 तारीख, और इसने 5x5 में जाके चेक किया कि पी है या नहीं है, तो 3 निकाल दिया। अब नीचे मान लीजिए इसकी बात करें तो इसमें क्या हुआ,
कि एबेलेव फार्मूला करते हैं, सब कुछ किया सेम हुआ। अब यहां जो मैच ने रिजल्ट क्या दिया, यहां मैच ने रिजल्ट दिया 8, तो क्या हुआ 8 के साथ 8 कंबाइन होके एक एड्रेस बन गया, अटेंडेंस 8x8 बट नंबर फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर्मेट में। इनडायरेक्टली क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया इसने, तो काउंट इसको तीन चीजें मिली भाई। 4x4 वाले रो में जाओ और ग्रेटर देन 7 जुलाई, 4x4 में जाओ लेस देन 9 जनवरी, सॉरी जनवरी था जुलाई नहीं था, और 8x8 में जाके देखो कि पी है या नहीं है, इसका रिजल्ट इसने दे। तो ए जो बना, ए बना कि हमने एक ही फॉर्मूला को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों वर्क कर, काउंट इफ किसी कीमत में हॉरिजॉन्टली वर्टिकली नहीं लेगा, ना काउंट इफ लेगा ना वी लुकअप लेगा, कुछ भी नहीं लेगा। देखिए ये मेथड मैंने दिया मैच यूज करके, इसमें काउंट इफ को हर जो है वर्टिकली दे रहा है, हॉरिजॉन्टली दे रहा है, वर्टिकली नहीं दे रहा है, लेकिन किस रो का रेफरेंस देना है ये मैच डिसाइड करता है। मैच डिसाइड कैसे करता है, इसको सर्च करता है इसके रो नंबर, उस रो नंबर से इसको देखता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आपकी क्लासेस चलेगी तो इस तरह के फॉर्मूले आपके लिए इजी लगेंगे। ठीक है सर? हाँ सर। तो सर आज के इतना ही, आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं को सेशन को तो कल से मंडे से शाम के 7 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, या मॉर्निंग 9 बजे, ठीक है, ये इवनिंग में है और ये मॉर्निंग में। आप लोग मुझे फोन पे